दुर्ग यातायात पुलिस विभाग द्वारा शहर में बेतरतीब खड़े ऑटो को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें ऑटो चालकों को व्यवस्थित रहने समझाइश दी गई। दुर्ग यातायात पुलिस विभाग द्वारा शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को बनाने को लेकर शनिवार को दुर्ग यातायात कार्यालय में उप पुलिस अधीक्षक यातायात विंदिराज सिंह, सतीश ठाकुर निरीक्षक, दुर्वे प्रधान आरक्षक ठाकुर, राम साहू आरक्षक, राजेश शर्मा एवं समस्त ऑटो चालक की उपस्थिति में एक बैठक आयोजित की गयी, जिसमें शहर में कहीं भी ऑटो खड़ी न कर सड़क किनारे खड़े करने निर्देश दिए गए। साथ ही चालकों को वर्दी, गाड़ी के पेपर सहित नशे में वाहन न चलाने के बारे में समझाइश दी गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में ऑटो व ई रिक्शा चालक शामिल रहे। अपने दुर्ग शहर में ऑटो यूनियन वालों और ड्राइवर जितने ऑटो चालक हैं उनको बुलाया गया और उनसे मीटिंग लेकर के बातचीत की गई। और बातचीत में हमारे वरिष्ठ अधिकारी भी आए थे, उनको बताया गया कि ऑटो जहाँ पाए वहाँ खड़ी कर देते हैं। इस संबंध में उनको बताया गया एक निश्चित एक बना है, लाइन बना है, वाइट लाइन के अंदर ना खड़े करके एक किनारे में अपने जो भी यात्री है उसको बैठाने के लिए एक किनारे में लगाएं गाड़ी, व्यवस्थित ढंग से आने जाने वालों को भी असुविधा महसूस ना हो, इस टाइप का ऑटो को खड़ी करके सवारी बैठाएं और अपने गंतव्य की ओर चले जाएं, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। और यदि देखेंगे जो बताया गया है उसके अनुसार से नहीं चलेंगे तो फिर उनके ऑटो के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अभी तो ऑटो संघ वालों को बुलाए हैं, अभी ई रिक्शा वालों को भी बुलाएंगे, उनको बताया जाएगा। ज़्यादातर ई रिक्शा वाले ही अव्यवस्थित तरीके से गाड़ी खड़ी कर देते हैं और जहां पाए वहां खड़े करके सवारी भरते हैं, उस संबंध में भी उनको बुला करके मीटिंग लिया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि एक किनारे में खड़े करके अपना सवारी भरे और अपना सवारी ले जाए। ठीक, अपना परिचय बताएं। मैं अभी दुर्ग जोन में नया TI एस कर्णदीप ध्रुव, मैं इसके पहले रायपुर में भी था, वहाँ भी अपना यातायात की व्यवस्था भी अच्छे से वहाँ व्यवस्थित किए थे। यहाँ भी हम भरसक के प्रयास करेंगे कि ऑटो सही ढंग से चले और व्यवस्थित चले। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।